नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रम और मैं हूँ आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि लाइम सोडा, सिट्रस जूसेस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके जो है दांतों पे कैसे असर डालते हैं। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सार्वजनिक एपिसोड है, बिकॉज हम जो है आजकल जो है हमारे जो दिनचर्या है उसके हिसाब से जो है हम काफ़ी जो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस लेते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, लाइम जूस लेते हैं, सिट्रस जूसेस लेते हैं, सोडा लेते हैं। तो वैसे तो इस चीज़ के बारे में काफ़ी चीज़ें प्रमाणित हो चुकी हैं कि ये सब जो है एक्सेस में ख़राब रहता है आपके हेल्थ के लिए, स्पेशली आपके दांतों के लिए, क्योंकि जो है इनमें जो है एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसका मतलब है कि इसमें जो है फॉस्फोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द बेवरेज, उसके हिसाब से जो है आपका एसिडिक कंटेंट होता है, जिसकी वजह से जो आपका एनामल है, एनामल जो है आपका इतना रेजिस्टेंट नहीं होता एसिड अट्रैक्ट का, जिसकी वजह से जो है आपको डेंटल इरोजन हो जाता है। डेंटल इरोजन का मतलब अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में बोलें कि जो आपका एनामल की मिनरलाइज लेयर है, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर वो किसी ऐसे पदार्थ से, एसिडिक पदार्थ से जो है कॉन्टैक्ट में रहता है फॉर सम टाइम, सस्टेन कॉन्टैक्ट में, तो वहाँ पे जो है डीमिनरलाइजेशन यानी कि जो मिनरल कंटेंट है वो कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इनामल का जो क्रिटिकल पीएच होता है वो होता है 5.5, और जो आपके कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, आपका लाइम जूस, लाइम सोडा होता है, इनका जो है पीएच 2 से लेकर 3 तक होता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें एसिडिक कंटेंट कितना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अगर आप इसको जो है बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, बहुत रेगुलरली इसका सेवन करते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे डेंटल इरोजन के चांसेस हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी होने के चांसेस हो सकते हैं। डेंटल इरोजन में एक सिंपल सी बात बता दूँ, इनिशियली जो है आपका जो है स्मूथ सी लेयर बन जाती है, उसके बाद जो है हो सकता है कि दांतों की शेप भी चेंज हो जाए। और डेंटल इरोजन का सिर्फ एक्सट्रिंसिक कॉज यानी कि बाहरी तरीके से जो है कॉज है वो तो आपके बेवरेजेस हैं, बट अगर इंट्रिंसिक कॉज के बारे में बात करें तो उसमें आपका जो है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, जिसको बोलते हैं जो है GERD बोलते हैं, अगर वो होता है यानी कि आपका खाना ऊपर आता है एसिडिक कंटेंट के साथ, तो हो सकता है आपको वो हो जाए। तो उस पर मैंने एपिसोड अलग से बना रखा है। अभी हम बात करने वाले हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस और लाइम जूस, लाइम सोडा, सिट्रस जूसेस के बारे में। अब यूजुअली कार्बोनेटेड बेवरेजेस में जो है आपका जो है फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जो आपकी ऊपरी सतह है वो डीमिनरलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है एनामल में एक सिल्की सा टेक्सचर आ जाता है। अगर हम बात करें जो आपका लाइम जूस है और ये सिट्रस जूस है, तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जिससे जो है आपका जो है एनामल जो है एक तरीके से हाइपोमिनरलाइज हो जाता है, यानी कि डीमिनरलाइज नहीं, उसमें अंडर सैचुरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके घिसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक प्रथा होती है जिसको बोलते हैं कोक स्विशिंग। कोक स्विशिंग का मतलब ये है कि अगर आप मुंह में जो है अपने जो है एक तरीके से कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, उसको अगर आप लगाते हैं और उसको जो है मुंह में अगर घुमाते हैं, तो उससे जो है दांतों पे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जो है ज़्यादा देर तक वो एसिड जो है आपके दांतों पे छलकता है, जो एसिडिक कंटेंट है बेवरेज का। तो इसलिए कहा जाता है इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो है जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कुछ भी जूस पीते हैं, उसका सेवन जो है आप डायरेक्टली ना करने के बजाय एक स्ट्रॉ से कीजिए, और स्ट्रॉ का जो आपका छोर है जिससे आप जो है अंदर ले रहे हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक, वो जो है आपके जुबान के पास यानी कि पीछे की तरफ, हलक की तरफ खुलनी चाहिए। तो उसको अच्छे से डीप लेकर जो है आप लेंगे, तो जो है ये एसिड अटैक ज़्यादा जो है आपके दांतों पे नहीं होगा। और एक और चीज़ बोली गई है, प्रमाणित करी गई है कि ऐसे चीज़ों का सेवन करने के जस्ट बाद आप ब्रश मत करिए, क्योंकि जो है ऑब्वियसली थोड़ी देर तक जो है इन एसिड्स का जो है अटैक आपके दांतों पे रहता है। अगर आप उस पे जो है मैकेनिकली टूथ ब्रशिंग कर देंगे, तो दांत के घिसने के, एनामल के घिसने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना मुंह से उसका कुल्ला करिए, उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे से एक घंटे बाद जाके ही ब्रश करिए, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो ये है मेरा सोशल मीडिया हैंडल, मेरा व्हाट्सअप नंबर। कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल करने से अवॉइड करिए, मुझे मैसेज डालिए, मैं उसका 2-3 दिन में जवाब दूंगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज, अप्रीहेंशन, डाउट्स या इनसाइट्स हैं, तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।